गुड राजन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी तो बेटा जी जैसा कि अभी आप लोग का सेंटअप एग्जाम चल रहा है तो सेंटअप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा ठीक है उसको एक, एक सही तरीके से किस तरह से बनाना है और किस तरह से एक बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है उसके बारे में ठीक है और साथ में आंसर तो मेरे को बताना है ही थोड़ा सा उसमें हम लोग इनिशिएट कर लेंगे और जानेंगे किस तरह से जो हम लोगों का जो ये क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, so, है ना जी तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा ही होगा नो no डाउट कोई इशू वाली बात नहीं है तो बेटा जैसे कि पहले भी आपने देखा था 70 क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पर भी 70 क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें से आपको 35 ही क्वेश्चन बनाना है जो सब लोग जानते हैं ना तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एना इनिशिएशन कोड यूएजी एंड यूयू यूएए यूएए एंड एयूजी ए यू जी एंड जी यू जी जी यू जी एंड यू ए जी तो बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा है ना तो देखिए बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना तो प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड पार्टिसिपेट करता है डन है ना उस जेनेटिक कोड की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो जाके प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है बेटा वो होता है आपका एयू होता है लेकिन एक सेमी सेमी इनिशिएशन वो भी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में जो वो होता है जी, इसका आंसर जो है बेटा हम लोगों का क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा डन है कोई इशू नहीं बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं बहुत अच्छा बात है बेटा जी ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ठीक है और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे ठीक है क्वेश्चन नंबर टू आइए बेटा क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहा है पक्षियों तथा तो तितलियों का डाइना मतलब जो पंख है वो किस तरह का है ठीक है तो आप लोग भी पढ़े होंगे बेटा समझात और असमजात जिसकी उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग होता है उसे हम लोग समझात जिसकी उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान हो यानी फंक्शन सेम होगा तो पंख सबका तो उड़ने में ही हेल्प करता है ना भले बनावट क्या ओरिजिन उसका उत्पत्ति अलग अलग हो इसका आंसर जो है एनालोग यानी असमजात अंग होता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हम लोग का हो जाना है क्या ए ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी ए हो जाएगा डन है ना चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे यीस्ट में प्रजनन होता है ठीक है रिप्रोडक्शन इन यीस्ट अकर्स बाय मींस ऑफ कौन सा मेथड है फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडीकरण बर्डिंग यानी मुकुलन पॉलिनेशन uh, यानी परागन बी और सी बोथ दोनों कौन सा होगा फर्स्ट बताइएगा ठीक है जल्दी से चलिए तो बेटा ईस्ट की बात करते हैं ना तो ईस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन तो मुकुलन देखने को मिलता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा डन है ना चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर आरएनएआई ठीक है आरएनएआई का प्रयोग किस पौधे के पौधे में कीट नियंत्रित नियंत्रित करने हेतु किया जाता है आरएनएआई यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट इन विच प्लांट बट अगर आप लोगों को पता होगा ना तो आरएनएआई आई का मतलब इंटरफेरेंस होता है यानी आरएनए इंटरफेरेंस ये एक मेथड है जो बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है तो उसमें सबसे पहले ठीक है कौन सा बनाया गया था तो सबसे पहले जो है ना तंबाकू का प्लांट जो था टोबैको प्लांट में ठीक है उसमें से तरह तरह के के डिजीज काउज हो रहे थे उससे बचाने के लिए बनाया गया था है ना तो दैस वाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा टोबैको तंबाकू हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा इसका आंसर तो हो जाएगा फोर का आंसर बेटा डी ठीक है फोर का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ओके ना अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना जल धारण क्षमता निम्न में से किसका गुण है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किसका वाटर होल्ड यानी कौन वाटर होल्ड कर सकता है यह बात पूछा जा रहा है है ना तो बताओ ठीक है बताइए एक बार आप भी थोड़ा सा बताइए ठीक है यानी वाटर को हमेशा अपने पास रख सकता है बेटा क्या कर सकता है वाटर को हमेशा वो अपने पास में रख सकता है कौन रख सकता है बताइए ठीक है एकदम सही स्वाइल वेल्डन बेटा जी इसका आंसर हो जाएगा स्वाइल क्योंकि स्वाइल जो होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्योंकि जल को धारण रखने की क्षमता होती है जल को स्टोर करके रखता है ना तो फाइव का आंसर भी बहुत सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं बेटा जी आप लोग थोड़ा सा एक बार क्या करो ना सब लोग जो है शेयर कर दीजिए है ना शेयर कीजिएगा ना उससे क्या है इससे क्या है और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सकेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने को लगता होगा जो हम सही सही बना के आए हैं उनको भी पता तो चले भाई कौन सा आंसर किसका आंसर कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा इसको है ना तो एक बार सभी लोग बेटा अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना तो बार सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए है ना क्या कर देना बेटा शेयर जल्दी से फास्ट एक बार शेयर कर दीजिए तो ठीक है सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए तो चलिए फटाक से निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंध निंजाइन चिपचिपे सिरे उत्पन्न करते हैं यानी एसटी की इंड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्शन इंजाइन प्रोड्यूसर एसटी की इंड एसटी की इंड जो क्या करता है डीएनए को जोड़ने में हेल्प करता है ठीक है बताइएगा तो जी एकदम सही इसका आंसर इको ठीक है इसका आंसर इको आर फर्स्ट होगा बेटा क्या होगा इसका आंसर इको आर फर्स्ट होगा ठीक है इको आर फर्स्ट होगा डन है कोई दिक्कत नहीं अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे है ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लेडिंग सेल के बारे में जानते ही होंगे ना लेडिंग सेल निमांकित में से किसका किसका श्रावी स्रोत है लेडिंग सेल आर द सिक्रेटरी टरी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किसका ये सो यानी सोर्स है जो किस यानी ओवरऑल कहा जाए तो कौन से चीज का ये लेडिंग सेल जो है श्रावित करता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा लेडिंग सेल जो होता है है ना ठीक वो क्या करता है वो टेस्टिस में होता है और टेस्टिस में होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको हम लोग एंड्रोजेन हार्मोन कहते हैं उसको रिलीज करने का बेटा ये काम करता है तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोजेन और एंड्रोजेन को ही हम लोग प्यार से क्या कहते हैं लेडिंग सेल कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी ओके okay, कोई नहीं ना चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं वो सारे के सारे यहां पर एग्जाम एग्जाम के आ, न्यूज को रिलेटेड होकर के चाहे क्वेश्चंस आंसर को लेकर के ले हो हो या आपको जो भी कोर्सेज हैं चाहे जो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं सबके लिए सबसे बेहतर ठीक है एक ही ऑप्शन है एजुकेशन बाबा तो आप लोग सभी लोग बेटा जी एक बार एजुकेशन बाबा चैनल को जो जो बच्चे सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए और आपको ऐसे ही लगातार भी चलता रहेगा ऑल क्वेश्चन देंगे ना बेटा तो उसके लिए क्या करना बेटा जी आप लोग को फटाक से ठीक है ठीक है, है चैनल को शेयर कर दिख सके और ही बच्चे जुड़ सके है ना तो चलिए पूछ रहा है किसमेंट्स में किस में गैमेट्स में प्रेजेंट होगा डन है, है कोई दिक्कत नहीं युग्मक एकदम सही बात एकदम सही बात चलिए अगला मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर ठीक है निम्नलिखित में से से कौन सा क्राइजिन फसल को छेदक से बचाता है है ठीक बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है जो क्राइजिन बीटी टॉक्सिन वाले सेक्टर में यार बीटी कपास पर होंगे वहां पर क्राइजिन तीन प्रकार के होते हैं ठीक है ना क्राइजिन तीन प्रकार के होते हैं क्राइ फर्स्ट एबी Cry second AB और इसमें से कौन सा जीन है जो बॉर्डर को मतलब जो आ, यहां लिखा हुआ है है जी क्रॉप फ्रॉम से 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 बचाता है, मतलब से बचाता मतलब छेदक छेदक तो से बचाने के लिए बेटा होता है और कपास के लिए जो कहते हैं कॉटन के लिए फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी होता है तो दैट्स तो वाई इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी आप लोगों का ठीक है फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर ठीक है नाइन का नाइन का फर्स्ट हो जाएगा क्राई फर्स्ट एबी ओके कोई इशू है क्राई फर्स्ट एबी ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आते बेटा निमांकित में से ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है ठीक है ईस्ट इज मेन सोर्स ऑफ विस्ट ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विटामिन सी राइबोफ्लेविन प्रोटीन और सरकरा कौन क्या देता है तो बेटा अगर आप लोगों को पता होगा तो विटा यीस्ट जो है यीस्ट आपको हमेशा देने का काम करता विटामिन क्या है विटामिन बी टू ठीक है या विटामिन बी कह सकते हो विटामिन टू या विटामिन बी का जो केमिकल्स नेम होता है बेटा वो क्या होता है आपका राइबोफ्लेविन क्या होता है राइबोफ्लेविन राइबो देख लिया ना कन्फ्यूज कराना ठीक है आप लोग विटामिन बी टू या बी या याद किए होंगे ठीक है लेकिन यहां पर जो है राइबोफ्लेविन दे दिया तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है टेक्निकल चीजों को ध्यान रखना है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा ठीक है तो इसका आंसर हो जाना है ए टेन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे द्विनिषेचन किसकी व्यवस्था है डबल द फीचर ऑफ अलगी फनजा एनजियो बेटा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आवृत एंजियो वाले प्लांट में देखने को मिलता है तो देश इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इलेवन का एंसर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा ठीक है इलेवन का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ओके okay. चलिए अब आगे चले ठीक है ना अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब आते हैं ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पुष्पासन किस फल का खाए जाने वाला भाग है पुष्पासन जो है पुष्पासन जो होता है यानी लिखा इज द थेबल पार्ट ऑफ विच फ्रूट कौन से फ्रूट का जो है थेलमस हम लोग खाते हैं बेटा क्या खाते हैं थेलमस कौन से पार्ट का खाएंगे ठीक है लीची का सेब का नाशपाती का और बी और सी दोनों का बेटा ध्यान रखना नाशपाती हो सेब दोनों का हम लोग पुष्पासन वाला भाग खाते हैं ठीक है तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक है अगला है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बेटा अदरक पे है ना और यहां से कई एक बार पीवाई क्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन से क्वेश्चन है बेटा ठीक है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रवर्धन किन के द्वारा होता है कौन से किस प्रकार से अदरक में कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है ठीक है किस प्रकार से ठीक है तो बल्ब द्वारा प्राकंड ठीक है ट्यूबर जरो द्वारा यानी बल्ब राइजोम ट्यूबर और रूट्स तो हमेशा ध्यान रखना बेटा ये तो भैया अखंड सत्य है कई एक बार आप लोगों जो है ना बनाए होंगे क्वेश्चन बैंक तो वहां पर भी आपको दिखा होगा राइजोम से होता है दो दो बार क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं अनुवाद की क्रिया वास्तव में है

ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है ओके चल अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पे डीएनए प्रतिकरण करण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है यानी डीएनए रिप्लीकेशन ड्यूरिंग डीएनए रिप्लीकेशन लैगिंग ए इज अ अम्ड इन वेन वे अति वॉट वे यानी किस तरह से अगर आपको बेटा थोड़ा सा भी अगर याद होगा तो डीएनए का जो एप्लीकेशन फॉर्क होता है कुछ इस तरह से होता है जिस पर डीएनए सीधा बनता है उसको लीडिंग एक्सटेंड कहते हैं जिस पर टुकड़ा और लैगिंग एक्सटेंड में डीएनए छोटा है इन शॉर्ट सेगमेंट और देखो डिसकंटिन्यूअस है मतलब छोटा टूट टूट के बन रहा है तो इसलिए इसका आंसर बोथ ए और बी हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा बोथ ए और बी दोनों हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत चलिए आगे तांबा उत्सर्जन करने वाला एक आईओडी निमांकित में से कौन सा है कौन जो है बेटा जो तांबा को क्या करता है तांबा रिलीज करता है, है? 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 कॉपर टी नाम सुने होंगे उसी टाइप में है ना एल एनजी ट्वेंटी हो गया सहेली हो गया मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव हो गया इनमें सभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईओ ठीक है बताओ कौन सा होगा दा ये तो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सिक्सटीन का डी ठीक है सिक्सटीन का डी बेटा अगर आपको याद होगा तो सहेली ओरल पी ओरल पिल ठीक है यानी मुंह के द्वारा खाए जाने वाला दवा है ये ठीक है तो ये तो होगा नहीं अगर ये नहीं है तो इनमें से सभी भी हटा दो तो बच गया एल 20 ट्वेंटी और मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव एल एन जी ट्वेंटी की जब हम लोग बात करते हैं तो एल एन जी ट्वेंटी क्या काम करता है बेटा ठीक है तो ये मेडिसिन वाला होता है ठीक है लेकिन मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव वो कॉपर को रिलीज करता है सी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है ओके तो इसका आंसर सी होगा मल्टीलोड चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे संवर्धन क्या है एजेनिक कल्चर क्या होता है ठीक है तो एजेनिक कल्चर यानी कल्चर का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग बिना संदूषण के संवर्धन करते हैं यानी कल्चर विदाउट कंटामिनेशन ठीक है ये करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी ठीक है सेवनटीन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी सेवनटीन का आंसर हो जाएगा डी ठीक है एक बच्चा बोल रहा है सी होगा वही तो कई भी कंसंट्रेशन के साथ और आराम से रिलैक्स में बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को है ना चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जर परजीवी है चंदन एलोवेरा अमरबेल और लैंटाना ठीक है लैंटाना कौन सा होता है बताइए तो इसका आंसर होगा बेटा सैंडल यानी चंदन क्या होगा इसका आंसर होगा चंदन यानी सेंडल इसमें आंशिक जड़ परजीवी के रूप से काम करता है ओके okay? अगला अगला क्वेश्चन देखो बेटा जिस तरह से यहां क्वेश्चन पूछ रहा है ना ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कहा आपके बोर्ड में और इसी तरह के और यही लेवल के क्वेश्चन होंगे ठीक है ना कोई दिक्कत तो इसलिए क्या करना बेटा जी अच्छे से मेहनत करना भी टाइम है सेंटअप इंजाम आपको दिखाता है भाई आप कितने पानी में हो आप समझो जानो और अच्छे से मेहनत करो ठीक है और इसी अच्छे से मेहनत करने के लिए बेटा हम लोग हम लोगों ने एजुकेशन बाबा फैमिली आप लोग के लिए बेटा लेके आए हैं उम्मीद बैच ठीक है बहुत सारे लोगों ने एडवर्टाइज देखा भी होगा जो लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता दू बैच ठीक है मैं बात कर रहा हूं उम्मीद बैच की बेटा ठीक है उम्मीद बैच ठीक है ये उम्मीद बैच कंप्लीटली जो है ठीक है एक क्रैश कोर्स है ठीक है और क्रैश कोर्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है क्रैश कोर्स में सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपके चाहे वो पीसीबी हो या पीसीएमबी हो या पीसीएम हो कोई भी हो उसको जो है ना कम टाइम में पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए किया जाता है।, है ना जी तो अगर किसी बच्चे को अगर आप चाहते हैं जो गलती हुआ उस गलती को बुलाना ठीक है और एक अच्छा नंबर चाहते हैं तो हम लोग जरूर कर, रिक्वेस्ट करेंगे बेटा आप लोग उम्मीद बैच जरूर ज्वाइन कीजिए आपकी सारी गलती और आपकी सारे कमी को ठीक है कम पूरा का पूरा जो है ना खत्म कर देंगे खल्लास कर देंगे ठीक है नाम ही उम्मीद बैच है ना फिर आगे थोड़ा सा आगे चलते फिर आगे हम बात करेंगे इसके बारे में बताएंगे बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से ठीक है फिलहाल अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे ठीक है आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे आ जाओ ठीक है ना देखिएगा तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा ठीक है किसके लिए प्रसिद्ध है तो कहेंगे बेटा ये बाघ के डी ठीक है नाइनटीन तो का आंसर डी हो, हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डन है ना अब आगे चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के बाद ट्वेंटी पर शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में रहता है क्या रहता है शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में बेटा शुक्राणु ठीक है वो जब जबानु के वक्त जो है अंडाणु के झिल्ली को घुलाने का काम करता है, फेगोसाइट, फेगोसाइट, का है यानी कहने का मतलब ठीक है वो खाने की क्रिया को करता है खाना का क्रिया होता है ना वो क्रिया को दिखाता है यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है ठीक है इसके अंदर होता है लाइसोसोम की तरह हाइड्रोलाइटिक इंजाइम जो मेम्ब्रेन को घुला करके शुक्राणु का अंदर की ओर प्रवेश कराता है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी क्या हो जाएगा इसका आंसर डी ओके ना कोई दिक्कत चलिए अब आते हैं ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन पे ठीक है ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अगला है मेडुला ऑब्लिंगेटा किस जनन परत से विकसित होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा बेटा ब्रेन का पार्ट होता है वो कहां से बनता है वो पूछा जा रहा है फास्ट फास्ट आंसर दीजिएगा बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा। थोड़ा सा क्या कीजिए आप लोग ठीक है कीजिए। ठीक है शेयर कीजिए जैसे कि और सारे बच्चे ज्वाइन कर पाए अच्छे से मजा आ रहा है ना? ठीक है मजा आ रहा है तो बार वीडियो को लाइक कर देना बेटा ठीक है जिससे हमको थोड़ा तो सा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बार बार आपके पास लेके आए है ना चलिए तो ये बना होता है बेटा मेड्यूलाटा बना होता है किससे तो एक्टोडर्म से बना होता है कोई दिक्कत चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं तो हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बोल रहा है पनीर और दही बनता है ना पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं यानी चीज एंड आर प्रोडक्ट्स ऑफ विच प्रो हा विच प्रोसीजर है ना यही ठीक है डिहाइड्रेशन पासन फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन तो कभी भी जो पनीर बने चाहे दही या बने तो उसमें मेनली जो होता है ना उसमें मेनली काम करते बेटा किनवन विधि क्या काम करता है किनवन ठीक है और इसी किनवन विधि के द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है तो हमें ये चीज वगैरह मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा किनवन या फर्मेंटेशन ठीक है कोई दिक्कत आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 होमो इरेक्टस निमांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम है ठीक है होमो इरेक्टस जो उस टाइम में जो है जावा कपी मानव होता था तो उसका ये नाम है ठीक है तो इसका साइंटिफिक नाम है तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा ए 23 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा ओके okay. चलो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सुंदर वन प्रसिद्ध है किसके लिए सुंदर वन इज फेमस फॉर सागवान के लिए सागवान के वन के लिए निफेंटिस के लिए मैग्रो पौधे के लिए घास के लिए किसके लिए होता है ट्वेंटी फोर फास्ट आंसर कीजिएगा बेटा ठीक है सब लोग थोड़ा सा जो है ना शेयर कर दीजिए तो कम से कम दो सौ बच्चे अभी तक नहीं पूरे हैं थोड़ा फास्ट कीजिए तो बेटा जी है ना जल्दी से शेयर कीजिए तो थोड़ा सा जल्दी जल जल्दी शेयर कर दीजिए एक बार सब लोग और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत कम लाइक अभी तक हुआ है वीडियो पे ठीक है सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है क्यूट बॉय सर बैच कैसे ज्वाइन करें क्या है भाई नहीं समझ में आया देखो आगे बेटा ये होता है ना सुंदरवन ये मैग्रो पौधे के लिए होता है किसके लिए होता है बेटा मैग्रो पौधे के लिए ये प्रसिद्ध है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव आवृत बीजी के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है यानी जो एक जो आ, इंडो एस्पम होता है उसमें वो पोलाइडी कितना होगा इंडो एस्पम की बात कर रहा हूं तो सब लोग जानते हैं ना इंडो एस्पम डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है और जिसमें टू एन और एन मिलता है 3N, तो इसलिए इसका आंसर ठीक है ऐसे बहुत सारे क्लासेज मैंने यहाँ पे ली है और आप आई थिंक आप पहली बार मेरे को देख रहे हो है ना चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नीमांकित में से किसमें अड़सूतरी विभाजन होता है किसमें यानी जो अर्सुतरी मतलब मियोसिस देखने को मिलता है किसमें तो बेटा मियोसिस हमेशा मेजोरिटी ऑफ टाइम या हमेशा कह सकते हैं तो वो देखने को मिलता है जर्म सेल में किसमें जर्म सेल यानी जनन कोशिका में यहाँ पर जनन कोशिका कोनुडिया जम्यूल और गुरु बिजानु ये सारे के सारे तो है लेकिन वेजिटेटिव सेल है लेकिन जर्म सेल कौन है मियोसाइट मियोसाइट से ही युग्मक बनता है चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो इसलिए इसका आंसर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा तो मियोसाइट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा मियोसाइट ओके चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन किसी मादा जंतु में मद चक्र होता है मतलब ऑस्ट्र साइकिल किसमें देखने को मिलता है तो ऑफ कोर्स गाय में क्या देखने को मिलता है बेटा तो गाय में देखने को मिलता है ठीक है काउ में और इसमें मनुष्य में और बंदर में यानी ह्यूमन में और मंकी में क्या देखने को मिलता है मिनट्रो साइकिल डन है ना तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा अगला ट्वेंटी एट सुकुराणु मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है कौन करता है एक्रोसोम का निर्माण तो एक्रोसोम का निर्माण बेटा करता है गोल्जी बॉडी कौन करता है गोल्जी बॉडी करता है ठीक है ये कौन करता है बेटा गोल्जी बॉडी इसका निर्माण करेगा डन है अब आगे चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मनुष्य में दाद की बीमारी मतलब जो वो फंगल रिंग वर्म होता है वो किसके द्वारा होता है तो बेटा वो होता है आपके फंजाई के द्वारा ठीक है कवक के द्वारा कवक के द्वारा ही क्या होता है दाद खुजली ये सब वो देखने को मिलता है है ना तो ट्वेंटी नाइन का हो जाएगा बेटा जी एट हो ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन का ए हो जाएगा धन अब आगे चलते हैं जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड ठीक है यानी जीन के अल्टरनेटिव रूप जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी मेंडल के क्रॉस में तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को बेटा कहते हैं एलील क्या कहते हैं एलील कहते हैं डन है, है? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था यानी म्यूचुअलिज्म या होता है वो किसके लिए आ, कैसे किनके किनके बीच को शो करता है म्यूचुअलिज्म जो है बेटा जी वो तितली और फूलों के बीच में ये शो करता है कि इसमें दोनों का क्या है बेनिफिट देखने को मिलता है दैट्स इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए ओके okay? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन का मतलब होता है यानी कंपटिशन करना शुक्राणु जब कंपटीशन उसको कैपेसिटेशन कहते हैं वो वो एक प्राकृतिक क्रिया कहां पर होता है बेटा तो वो देखने को मिलता है मादा जनन मार्ग में जहां से शुक्राणु स्विम करके पहुंचता है अंडाणु के पास में वहां पर तो इसका आंसर हो जाना है आपका क्या सी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं थर्टी टू पे पीसीआर यानी पॉली मेरे रिएक्शन जो होता है उसमें कौन सा इंजाम चाहिए ठीक है तो पीसीआर में कभी भी पीसीआर में एक नया डीएनए स्टैंड पे, पे एक नया डीएनए स्टैंड बनता है डीएनए स्टैंड बनने के लिए बेटा चाहिए डीएनए पॉलिमेरिज इंजाइम लेकिन होता क्या है पीसीआर एक जो है ना वो गर्म मशीन उसमें जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो काम करता है ठीक है तो दैस वहां पे जो है ना हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट हमको क्या चाहिए इंजाइम चाहिए वो होता है बेटा हम लोग का टैक पॉलीमेरिज इंजाइम क्या होता है वो हम लोग का टैक पॉलीमेरिज इंजाइम होता है जिसकी सहायता से हम लोग ये काम करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर रिट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है तो रिट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ बेटा आरएनए होता है ठीक है क्या होगा आरएनए ठीक है रिट्रोवायरस में हमेशा आरएनए ही होगा डन है आगे चलो क्वेश्चन नंबर बीटी टॉक्सिन क्या होता है यानी विष या बीटी टॉक्सिन किसका बना होता है ना जी तो बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन से बना होता है जैसे कि हमने वहां पे क्राइजीन देखा था ना क्राइजीन या क्राई प्रोटीन क्या है तो बीटी टॉक्सिन जो है क्या है एक प्रोटीन से बना होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए e. क्या हो जाएगा इसका आंसर ए e हो जाएगा ओके जा अब जा आगे जा, चलते हैं डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा यानी कितना गुणसूत्र इसमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा तो डाउन सिंड्रोम में बेटा गुणसूत्र एक गुणसूत्र बढ़ता है यानी अगर अगर छियालीस है तो बनेगा या सैतालीस यानी टू एन प्लस वन तो देश इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी बी क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा ओके ठीक है चलो अब आते हैं थर्टी सेवन पे एडीज मच्छर कौन सी बीमारी से, से फैलता है ठीक है एडीज मच्छर थोड़ा तो सा फास्ट आंसर दीजिएगा एडीज मच्छर कौन से बीमारी से फैलता है ठीक है सॉरी कौन सा बीमारी फैलाता है फैलाता है सॉरी 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 थोड़ा सा कभी कभी फैलाता है ठीक फैला है बताइएगा तो कौन आ? कौन सा बीमारी फैलाएगा बताइए जल्दी से डेंगू एकदम सही बात बेटा ठीक है बहुत अच्छा डेंगू बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डेंगू हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा थर्टी एट मवेशियों की संकर नस्ल जो होता है वो कौन सा है संकर नस्ल मतलब हाइब्रिड जो है हाइब्रिड ब्रीड कौन सा है तो वो ध्यान रखिएगा सुनंदनी क्या है इसका आंसर सुनंदनी इसका आंसर क्या होगा ठीक है सुनंदनी होगा इसका आंसर सुनंदनी होगा ठीक है अब चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक थर्टी नाइन ना चलो आगे देखो एलनीडा और मोलस्का के बीच का संयोजक करी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एलिडा एंड एन मोलस्का इज ठीक है नोपिलिना न्यू न्यूपिलिना ऑक्टोपस कटल मछली मतलब कटल फिश क्या होगा इसका आंसर ठीक है थर्टी नाइन का ए क्या गलत है बेटा थर्टी एट नंबर में क्या गलत है न्यू पिलिना ठीक है बहुत अच्छा इसका आंसर न्यू होगा ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे हैं थर्टी एट सर गलती है कुछ लोग बोलेंगे मलेरिया बता ऐसा कुछ होता नहीं है मलेरिया में ठीक है चलो आगे बढ़े अगला 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है ठीक है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है ठीक है तो 11 जुलाई को बेटा ठीक है 11 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं क्या मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं आगे बेटा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो हंड्रेड परसेंट सही मिलेगा एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं है मैं इसका मैं गारंटी लेता हूँ ठीक है तो काइंडली थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट कर लो बेटा ठीक है सात साल का एक्सपीरियंस है सात साल से बेटा इस बायोलॉजी को मैंने पकड़ा है और बायोलॉजी को मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो मैं अगर नहीं आएगा तो मैं इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ ठीक है जो मेरे को नहीं आता है ठीक है लेकिन ये कभी नहीं बोलूंगा जो गलत आंसर मैं आप लोगों को कभी नहीं बताऊंगा उसके लिए बेफिक्र रहिएगा यहाँ पर ठीक है चलिए आगे अनुवांशिक अभियंत्री का पहला चरण क्या है ठीक है यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटा तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं क्योंकि अगर डीएनए क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए की यूज पड़ती है ना तो डीएनए को हमें निकालना भी तो है ना तो उसमें सबसे -सब पहले हम लोग क्या करेंगे डीएनए को आइसोलेट करेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल अनुवांशी पदार्थ का विगुलर मतलब उसको हम लोग बाहर की ओर निकालेंगे डन है चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू जैविक ऊर्जा प्राप्त होता है किससे ठीक है जैविक ऊर्जा हमें केमिकल से भी प्राप्त हो सकता है फ्यूल से प्राप्त होता है केमिकल के लिए बायोसाइड्स है ठीक है और जैव ईंधन तो है ही बायोफ्यूल्स है ही तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी इज अ करेक्ट आंसर ठीक है डी इज अ करेक्ट आंसर ओके अगला निम्नांकित में से कौन सा मौखिक गोलियों का घटक है मौखिक गोली में क्या होता है तो मौखिक गोली में मुख्य रूप से प्रोजेस्ट्रॉन होता है और उसके बाद उसमें क्या देखने को मिलता है तो एस्ट्रोजेन तो यहाँ पे एस्ट्रोजन है नहीं तो क्या होगा इसका आंसर सी होगा यानी प्रोजेस्ट्रॉन होगा क्या होगा बेटा प्रोजेस्ट्रॉन होगा डन है चलिए अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर अगला है वैद्युतकरण यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरिस और सदन ब्लॉटिंग तकनीक कहां युक्त तो होता है तो सदन ब्लॉटिंग से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये यूज करते हैं हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कहा यूज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं ठीक है चलो अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव चराई पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है यानी पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा होगा उसका पिरामिड बायोमास को देखेंगे ग्रासलैंड में तो ग्रासलैंड में बेटा इसका बायोमास उल्टा होता है ठीक है उल्टा ठीक है क्या होगा इसका उल्टा होगा तो 45 का आंसर हो जाएगा सी ठीक है 45 का क्या होगा आंसर सी हो जाएगा डन है चलिए अब आगे आते हैं कुछ पैतृक गुणों के पुनः प्रकट होने को क्या कहा जाता है क्योंकि पुनः पैतृक गुण आना तो पूर्वज का गुण अब पूर्वज का गुण आता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्वजता कहते हैं या एटेविज्म कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेटा 46 का आंसर हो जाएगा ए 46 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ओके ना चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे ठीक है जलमग्न समोभिद में पत्तियां विच्छेदित होती है किसके लिए ठीक है अब देखो बुआ अब कोई भी अगर पत्ता विच्छेदित होने का मतलब फटा हुआ अगर ये सपोज करो ये पत्ता है ठीक है ये अगर ये पत, अगर ये प्लांट है इस प्लांट में पत्ता कुछ इस तरह से फटा हुआ रहता है विच्छेदित का मतलब फटा हुआ रहना ये फटा हुआ किसके लिए रहता है तो सबसे पहले वहां का जो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ठीक है सतही क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहला यूज़ करते हैं और दूसरा जैसे कि जल के प्र, जल अगर प्रवाह कर रहा है वाटर करंट अगर बह रहा है तो जिससे कि अगर सप जब सपोज करो पत्ता अगर चौड़ा है वहां से अगर हवा अगर पानी तेज धार से निकलेगा तो पत्ता फट जाएगा तो दूसरा क्या है जल के प्रवाह के प्रभाव को कम करने के लिए भी ये दोनों कंडीशन है ठीक है अगर रियली देखा जाए तो इसके आंसर में ये दोनों आएंगे यानी जो जो इंक्रीज सरफेस सरफेस एरिया एरिया को बढ़ाने के लिए दूसरा पत्ता फटे नहीं और साथ में मेंवाह से उसको नहीं जो कोई प्रभाव नहीं पड़े जल के प्रवाह से उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये चीज को आप दोनों में से जो मन होगा आप लगा सकते हैं आंसर इसका दोनों होगा ठीक है ए भी होगा और डी भी होगा दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं हालांकि इसमें अगर एक और रहना चाहिए तो हमें लग रहा है इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है ठीक है इसका आंसर दोनों होगा अब जो है आप उसमें से आप ऐड कर सकते हैं इसको आप ठीक है चॉइस इज योर ठीक है आप ऐड करो ए यूज करो या डी यूज करो दोनों सही है दोनों अगर दोनों बोत रहता तो बोत का बोत भी सही रहता ठीक है चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट चट्टानों पर उगने वाले प्लांट्स को यानी पौधे को क्या कहते हैं बेटा जल्दी बताइएगा चट्टानों पर उगने वाले प्लांट्स को हम लोग कहते हैं लिथोफाइट्स क्या कहते हैं लिथोफाइट्स कहते हैं ठीक है नहीं बनाए थे कोई दिक्कत नहीं बेटा जी ठीक है अभी तक 200 बच्चे भी नहीं पुरे हैं अगर सही सही आप लोगों को लग रहा है मजेदार तरीके से बेटा तो सब लोग एक बार क्या करो यानी शेयर करो वीडियो को ठीक है एक बार शेयर कीजिए तो जल्दी से ठीक है ये किसको भाई साहब देखिए तो ये आई लव यू लिख रहा है कह रहा है पता नहीं हो भाई साहब इसका आंसर देखिएगा ठीक है इसका आंसर लिखिएगा लिथोफाइट्स है ना ओके चलो चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर कुकुट में कवक से होने वाले रोग कौन सा होता है ठीक है आई थिंक हमें जहां तक लग रहा है बेटा जैसे कि रानी खेत और चेचक जो होता है वायरस से होता है कोलेरा बैक्टीरिया से होता है बच गया कौन एस्पार होता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक है फोर्टी नाइन का हो जाएगा सी ठीक है ना बेटा ना ना रानी खेत जो है ना वो रानी खेत जो है वो वायरस से होने वाला डिजीज है ठीक है डिजीज वायरस से होने वाला है ओके तो इसलिए वो नहीं होगा ठीक है चलो आगे आते हैं मधुमक्खी में श्रमिक मधुमक्खी होती है कैसी तो श्रमिक मधुमक्खी फीमेल होती है पहला बात दूसरा एस्टेराइल एस्टेराइल मतलब नपुंसक होता है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर शुद्ध हिंदी नहीं लिख करके यही यही इंग्लिश का जो है यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में लेकिन फर्टाइल का मतलब होता है ठीक है जो जनन कर सकता है और एस्टेराइल का मतलब नपुंसक होता है है ना जी ये है चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर और क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं है कौन नहीं हो सकता है ठीक है देखो उत्पादकता तो चाहिए तब तो उत्पादक उत्पादक उत्पादन होगा ऊर्जा प्रवाह तो चाहिए ऊर्जा का प्रवाह होना जरूरी है और मरेगा तो उसको अपघटन भी चाहिए क्या नहीं चाहिए तो अस्तर विन्यास तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या बी हो जाएगा ठीक है इसका आंसर हो जाएगा बी ठीक है अगला रेडियोधर्मी अणु अनु के साथ टैग किए गए डीएनए आर एन ओ क्या कहा जाता है डीएनए आर एन ए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या? तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं प्रोब उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे प्रोब कहेंगे क्या कहेंगे उसे हम लोग प्रोब डीएनए कहेंगे ठीक है ठीक है चलो आगे 53 निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है मतलब उभयलिंगी का मतलब से मेल और फीमेल दोनों हो तो मेल और फीमेल दोनों की हम लोग बात करेंगे बेटा तो वो हमको मिलता है पाइनस में ठीक है किसे मिलता है पाइनस में मिलता है ठीक है एक बच्चा बोल रहा है ठीक है थर्टी वन का क्वेश्चन ठीक है थर्टी वन क्वेश्चन बेटा मैं आ जाता हूँ वहां पे भी मैं लास्ट में आ जाऊंगा घबराना नहीं है अब आगे चलिए देखते हैं फिफ्टी फोर लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है किसमें लैंगिक जनन किसमें अनुपस्थित होता है ठीक है जी या हाँ अनुपस्थित होता है लैंगिक जनन बेटा बेटा मैथ का भी आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा मैथ का भी ठीक है इसका आंसर होगा बेटा नोस्टक क्या किसमें होगा नॉस्टक में अनुपस्थित होता है लैंगिक जनन ठीक है ना आगे चलिएगा कौन सा पौधा जीएम पौधा यानी हिरोडीन उत्पन्न करता है उत्पन्न करने वाला कौन सा पौधा है तो आप याद रखिएगा ये होता है आपका नेपस नेपस क्या होता है ब्रैसिका नेपस होता है ओके ना चलो अब आगे चलते हैं बेटा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इंसुलिन क्या है ठीक है इंसुलिन बेटा एक हार्मोन है ध्यान रखिएगा इंसुलिन क्या है बेटा एक हार्मोन है वो हार्मोन किसका बना होता है तो इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है प्रोटीन के लिए यहाँ पर टर्म यूज किया है पेप्टाइड क्योंकि प्रोटीन बना होता है पेप्टाइड बॉन्ड से या प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड भी होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा ओके okay ना कोई दिक्कत चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन पर एड्स विषाणु में होता है यानी एड्स जो होता है ना बेटा उसमें जो वायरस होता है वो कैसा तो उसका वायरस सिंगल एक्सटेंडेड ठीक है क्या होगा बेटा जी सिंगल एक्सटेंडेड होगा और उसमें क्या है आरएनए होगा मतलब एक ही धागा से बना हुआ आरएनए प्रेजेंट होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा ओके okay. चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मंस एक विषाणुजित रोग है जो किसको किसमें सूजन करवाता है मम्स जो है गलसोत रोग जिसको कहते हैं बेटा वो किसके कारण होता है गलसोत रोग होता है ना जी तो गलसोत रोग जो है ठीक है वो आपके लार ग्रंथि और लार ग्रंथि में बड़ा वाला जो दाहिना साइड में दोनों साइड में हो जो होता है ना उसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं उस लार ग्रंथि को करता है संक्रमित जिससे वो फूल जाता है सूजन हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड ठीक है और वो एक वायरस है इसलिए वायरल डिजीज लिख दिया गया है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 चल प्रा प्लस टू आ प्लस मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है यानी कहने का मतलब यानी जो कहने का तो, वाटर ब्लूम्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनता है लेमना और हाइड्रिला स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोआ प्लैंक प्लैंकटोनिक ब्लू ग्रीन अलगी किसके द्वारा बनेगा तो ये बनता है प्लैंकटोनिक ब्लू ग्रीन अलगी के द्वारा बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है 60 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ओके सिक्सटी का देखो यहाँ सिक्सटी पर एक वो वो इंसान जो है कौन कौन सिक्सटी फोर पे चला गया जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बेटा जी आप लोग को अच्छा लगा तो बार शेयर कर दीजिएगा जरूर ठीक है एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग हाँ बेटा बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे बहुत जल्दी हम लोग का क्लासेस खत्म हो जाएगा जिसको अब यह है गाजा चील यानी बाइडल ईगल किस कारण से विलुप्त तो होने के उच्च जोखिम में है किस कारण से प्रवासी मार्ग के परिवर्तन के कारण बड़े आकार के कारण प्रजनन क्षमता में करी कमी और उच्च पोषी स्तर के कारण किस कारण से ऐसा है बताइए क्योंकि ये उच्च पोषी स्तर में है बेटा क्या बेटा जी ये उच्च पोषी स्तर में है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा हम लोगों का डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी चलिए अब आते हैं सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन पे ठीक है एंथ्रा एंथ्रा कोशिश किसके कारण होता है ठीक है कोशिश एक बीमारी है वो किसके कारण होता है तो कोयला का जो धूल है यानी कोल डस्ट होता है बेटा उसके कारण ये होता है कोल्ड डस्ट के कारण ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी अब आते हैं 62 पे पौधा में क्लोरोसिस मुख्यतः किसके कारण होता है क्लोरोसिस होने के लिए मुख्य रूप से एसोटू के प्रदूषण होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड वो जब बढ़ जाता है तो उसके वजह से होता है तो इसका भी आंसर हो जाएगा बेटा जी बी ठीक है चलिए चलिए भाई साहब आगे चलते हैं देखिए कुछ लोग वहां पे बात बतिया रहे हैं नहीं पड़ेगा तो बर्तन धोना पड़ेगा हे भगवान कैसे कैसे आदमी सब है ठीक है बोलिए चाय बेचना पड़ेगा अत्यधिक शुष्कता के दौरान रेगिस्तानी चूहा क्या करता है मतलब जब ज्यादा ड्राई ड्राइनेस जैसे कंगारू चूहा होता है बेटा उसके बारे में पूछ रहा है जब पूरा का पूरा पानी नहीं तो वो अपना जीवन कैसे बिताता है तो बेटा उसके अंदर जो फैट होता है ना तो फैट को मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापचय क्रिया के द्वारा उसको तोड़ करके उससे वाटर बनाता है उसको वो क्या करता है यूज करता है ठीक है चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा चयापचिक यही ना है चयापचिक पानी का उपयोग करके तो यानी यानी जो यहां पर है देखो लिखा होगा ठीक है अच्छा इसका इनका नहीं है चलो इसका आंसर पहले लगा देते हैं डी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे ठीक है डी हो जाएगा ओके चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाँ यहां मेटाबॉलिक वाटर ठीक है तो इसका आंसर डी हो जाएगा लगा दीजिएगा रूप में जंतु पाए जाते हैं कहां पर लिटोरल रूप में लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ठीक है फाउंड इन अ बताइए समुद्र का पानी होता है उसका तट होता है बेटा वहां पर ठीक है तो सबसे नीचे के तरफ समुद्र तट के पास में प्रजेंट तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी यानी इन सी वॉटर नियर द शो ठीक है वो प्रजेंट होता है ओके चलिए आगे सिक्सटी फाइव पर आते हैं सहद होता है बेटा आपको पता होगा ना जब आपको जब मधुमक्खी काटता होगा तो लाल हो जाता फूल जाता लहरता होगा क्योंकि उसमें एसिड होता है ठीक है उस तरह से शहद बनता है बेटा शहद में भी एसिड ही होता है तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा जी अम्लीय क्या प्रेजेंट होता है अम्लीय होता है यानी एसिड प्रेजेंट तो एसिडिक होता है हो गया बेटा बस एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है ठीक है चलिए अब आते हैं 66 क्वेश्चन वन प्रधन वन प्रबंधन का संबंध है किससे यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद तो इसका फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है ना मैनेजमेंट होता है वो सिल्वी कल्चर में आता है बेटा किसमें आता है सिल्वी कल्चर में ठीक है यानी वन पालन के साथ यानि वन पालन के साथ यानि कल्चर आप याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आगे सिक्सटी सेवन कुछ प्राप्त किया जाता है किससे इज ऑप्टेन फ्रॉम किससे प्राप्त किया जाता है यानी तो सिक्सटी सेवन है बताइए ये, आ, का जो छाल होता है बार्क ऑफ सिंकोना उससे क्या करते हैं हम लोग इसको प्राप्त करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु को जीवाणु न्यून से किस समूह में आते हैं देखो बायोगैस में मुख्य रूप से बेटा मीथेन गैस होता है

देखो एंटीबायोटिक का खोज एक संयोग था उस संयोग के यानी खोजा भी तो किसने खोजा तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर सी ठीक है मेरा नाम बेटा एस आर राजन है ठीक है बहुत सारे बच्चे मेरा नाम भी नहीं जान रहे हैं बीच में क्लास ज्वाइन किए अगला लास्ट क्वेश्चन बेटा अंत भला तो सब भला ठीक है सब लोग एक बार जो है ना इसका आंसर आप बता दीजिएगा तो ठीक है एक जीन जिसके अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करता है वे कहलाता है क्या ठीक है यानी ट्रांसफॉर्मड सेल को पहचानने के लिए जो जिम्मेदार होता है बेटा वो होता है सेलेक्टेबल मार्कर यानी जगह आप लोग PBR 322 जो है अगर वो पढ़े होंगे तो उसमें सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहे हैं तो सेलेक्टेबल मार्कर जो बेटा उसमें उसको संरचनात्मक जीन सॉरी सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं चयन योग्य वर्णक जो होता है वो तो सेवनटीन का आंसर हो जाएगा बेटा बी सेलेक्टेबल मार्कर ठीक है क्या हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर ओके तो यहीं पर बेटा आप लोगों का जो है क्वेश्चन खत्म हो जाता है ठीक है और ये सेवेंटी क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन का जो है लेवल बहुत मजेदार था सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नहीं ज्यादा टाइम लेंगे लोग का हम हम लेकिन इससे आपको लग गया होगा बेटा तैयारी कैसी है और हम लोग का तैयारी कैसा होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत तो कैसा होना चाहिए बेटा बहुत जल्दी YouTube पे भी क्लास आएगा जो भी बच्चे नए हैं और जो चाहते हैं हमारे क्लासेस को करने के लिए ठीक है तो आप लोग क्या कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा और जिनकी भी तैयारी अच्छी नहीं है बेटा जी तो उनके लिए एक छोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दो मिनट सुन के बहुत जरूर जाना बेटा ठीक है अब हम आप लोग के लिए लाए हैं उम्मीद बैच ठीक है उम्मीद बैच लेकर के आए हैं जो एक तारीख यानी कल से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और ये कल से जो बेटा स्टार्ट हो रहा है इसमें बहुत कुछ देंगे यानी उम्मीद बैच जिसको आप लोग क्रैश कोर्स कहते हैं क्रैश कोर्स कहते हैं हम उस क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? इस क्रैश कोर्स में आपको तीन महीने में यानी नवंबर टू ठीक है जनवरी ठीक है इसमें आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे सबसे पहले बेटा वन शॉट ठीक है वन शॉट जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या है वन शॉट वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ठीक है यानी रिवीजन रिवीजन हो जाएगा होने के बाद चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे ठीक है उसके बाद बेटा जी इतना ही नहीं ऑब्जेक्टिव टी ना हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो है बेटा आप लोग के लिए जो है ना गेस्ट क्वेश्चन आएगा ठीक है गेस्ट क्वेश्चन आएगा ठीक है गेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो ना मॉडल प्रैक्टिस एग्जाम में किस तरह से लिखना है एग्जाम में किस तरह से लिखने के लिए जो है हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए है ना हिंट्स एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे बनाना है क्वेश्चन को टच कैसे करना है ये सारे टिप्स जो ये कुछ टाइम में आप लोग को आप लोग के लिए जो है ना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सभी लोग जो है बेटा जी Uh, जो भी बच्चे अगर पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे प्ले स्टोर पे जाकर के एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहां आपको नंबर मिल जाएगा ज्यादा जानकारी तो वहां पर जाकर के आप ले सकते हैं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा एक बार आप ज्वाइन जरूर कीजिए जो डिफ्रेंसेस है वो डिफ्रेंसेस दिख जाएगी और ये तीन महीने पूरे साल की तैयारी हम लोग करवा देंगे और आपका रिजल्ट भाई साहब जो भी यहाँ है ना वहां होगा ठीक है ओके बेटा तो सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और जाते जाते ठीक है बेटा वो टाइम टेबल सब कुछ वहां पे मिल जाएगा नहीं एजुकेशन वाबा का एप्लीकेशन है बेटा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पीडीएफ के लिए आप चले जाइए यहां पे आ, एजुकेशन वबा का टेलीग्राम चैनल है वहां आप जा सकते हैं और यूट्यूब पे भी सर क्लास बेटा यूट्यूब पे भी क्लास होगा ही ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हाँ जो भी नए बच्चे हैं अगर ये वीडियो जो ही बच्चे अभी आपने देखा एक बार बेटा मेरे एफर्ट के लिए जो है आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर देना जो नए हैं वो लोग क्या कीजिएगा ठीक है वो लोग थोड़ा सा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा है ना तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अनोदर वीडियो में ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे बेटा तब तक के लिए वेट एंड वॉच ठीक है मैथ का भी वीडियो मैथ का भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा कितना फी बेटा बहुत कम फी है नॉमिनल फी दो टाइप का फी है आप वहां पर जाके फी देख सकते हैं ट्रिपल नाइन ठीक है और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप अगर अभी आपका पढ़ाई अगर 20 परसेंट हो रखा है ना ये बैच के बाद आपका 80 परसेंट तक तैयारी दो महीने के अंदर हम लोग करवा देंगे गारंटी मेरी है ठीक है समझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा एक बार करके देखना ठीक है और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो वहां पे नंबर मिलेगा उस नंबर पे जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते ओके ठीक है तो हम लोग मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्लास में हाँ बेटा हम लोग टॉपर देते हैं और देते रहेंगे हाँ यूट्यूब पे भी ऑनलाइन क्लास आएगी घबराना नहीं आज के लिए इतना ही है रखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा तो बात करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू बाय एवरी